बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हम सकुलेंट्स की केयर कर सकते हैं, स्पेशली समर्स के अंदर जो आजकल बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी स्टार्ट हो गई है। तो हम जिस शौक से इसको ख़रीदते हैं और इसको जो है वो हम ग्रो करते हैं, उतना ही हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट उस वक्त हो जाता है जब हम इसकी केयर नहीं कर पाते। सकुलेंट की केयर के लिए कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए जो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने लगा हूँ, और वो अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगा। बेसिकली 2017 के अंदर मैंने कुछ दो सकुलेंट्स खरीदे थे और मैं उनकी केयर नहीं कर पाया था प्रॉपरली, तो उस वक्त जो है वो अलग को प्यारे हो गए। और फिर 2018 को जो है वो मैंने 10 से 15 जो है वो सकुलेंट्स खरीदे थे, एंड देन रमज़ान का महीना आ गया था जिसकी वजह से मैं उनको टाइम नहीं दे पाया और वो भी उस वक्त ख़त्म हो गए। फिर 2019 के अंदर ये जो 4-5 आपको सकुलेंट्स अभी मैं दिखा रहा हूँ, यही मैंने ख़रीदे हैं और इन्हीं को मैंने प्रोपेगेट किया है, और इन्हीं से जो मैंने सकुलेंट गार्डन की वीडियो बनाई है वो सारे के सारे सकुलेंट्स जो उसके अंदर आपने देखे हैं वो सारे इन्हीं के प्रोपेगेट किए हुए हैं। तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो इस वीडियो के अंदर आपको मैं शेयर करके बताऊँगा, और बताऊँगा कि किस तरह से आप आसानी से अपने सकुलेंट्स को ग्रो कर सकते हैं जिस तरह से आजकल मैं इनको ग्रो कर रहा हूँ। अच्छा, सकुलेंट्स इस तरह के प्लांट्स होते हैं जो अपने अंदर पानी को स्टोर करने की सलाहियत रखते हैं, और कैक्टस भी जो है वो इसी कैटेगरी के अंदर आता है। लेकिन जैसे हम कैक्टस को ट्रीट करते हैं कि कैक्टस एक डेजर्ट प्लांट है और वो बहुत ज़्यादा हीट को बर्दाश्त कर लेता है, पानी भी उसको कम चाहिए होता है, तो इसी तरह से हम सकुलेंट्स को भी काउंट करते हैं और उनको भी जो है वो उसी तरह से ट्रीट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सकुलेंट्स की अपनी एक बहुत सारी कैटेगरीज़ के अंदर भी वैरायटीज़ मौजूद हैं। हर एक सकुलेंट की एक जैसी कंडीशन नहीं होती, आइडियल टेम्परेचर, आइडियल इनके वाटरिंग जो है वो सारा सिस्टम इनका डिफरेंट होता है। तो नंबर वन चीज़ जो आपको देखनी है वो ये देखनी है कि आपके पास जो सकुलेंट मौजूद है वो कौन सी टाइप का है और उसकी क्या आइडियल कंडीशंस हैं, आपको पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में, और फिर आप उसको प्रॉपरली जो है वो ग्रो कर सकेंगे। सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको बताऊँ, सकुलेंट्स के अंदर हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो होता है पानी। पानी अगर हम उसको प्रॉपर दे रहे हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अगर पानी में आपकी गलती हो रही है तो आपका सकुलेंट चाहे सर्दी में हो चाहे आपका गर्मी में हो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है और वहाँ पर वो काम ख़राब हो जाता है। दो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, एक होता है ओवर वाटरिंग का और एक होता है अंडर वाटरिंग का। ओवर वाटरिंग, आप जब सर्दी होती है तो हम कहते हैं कि जी पानी इसको कम देना है, वहाँ पर उसी चीज़ को हम अगर फॉलो करते हुए आ रहे हैं गर्मियों के अंदर और उसमें भी हम पानी कम दे रहे हैं तो अंडर वाटरिंग हो जाती है। और अगर हम पानी ज़्यादा दे रहे हैं, इतना ज़्यादा कि सॉइल आपकी ड्राई नहीं हुई होती और आप फिर से पानी दे रहे हैं उसको, तो आपकी जो सॉइल है, ये पॉट की सॉइल, ये ड्राई नहीं होगी, गीली रहेगी, रूट्स इसके ख़राब हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे और सकुलेंट आपका ज़ाया हो जाएगा। इसकी बहुत सिंपल सी इंडिकेशन है कि कब आपकी ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग का सीन हो रहा है। जो सकुलेंट के नीचे के लीव्स जो होते हैं, ये यहाँ से जो है ये नीचे वाले जो लीव्स हैं ये आपके बिल्कुल नरम होना शुरू हो जाएंगे और ये गिरना शुरू हो जाएंगे, जिस तरह से ये आप देख रहे हैं ये इस तरह से गिरना शुरू हो जाएंगे। आपका जो सकुलेंट है, ज़रूरी नहीं है, देखिए अगर एक दो सकुलेंट के लीव गिर रहे हैं तो ये एक नॉर्मल एक्ट है। प्लांट जो भी हो, आपके जब भी कोई भी प्लांट देख लें, नीचे से उसके पत्ते पुराने वाले जो है वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं एक एक करके, दो दो करके, और ऊपर से न्यू जो है वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर ज़्यादा प्लांट के ये ज़्यादा लीव्स जो है वो गिरना स्टार्ट हो गए हैं तो प्रॉब्लम जो है वो आपके लिए बनना स्टार्ट हो गई है। तो वो आपने चेक करना है कि अगर आपके बहुत ज़्यादा प्लांट जो है लीव्स जो है वो आपके गिर रहे हैं और नरम हो गए हैं, बहुत ज़्यादा नरम हो गए हैं, तो वहाँ पर आपके लिए ये अंडर वाटरिंग या ओवर वाटरिंग का सीन चल रहा है। अच्छा, अगर ये सकुलेंट देख सकें तो इसके जो लीव्स हैं ये बिल्कुल नरम हो गए हैं और बहुत ही ज़्यादा जो है वो ये इस तरह से एक सकुलेंट का लीव होता है उस तरह से नहीं है, बिल्कुल ये नरम हो जाते हैं ओवर वाटरिंग की वजह से या अंडर वाटरिंग की वजह से। जबकि जो इसके अंदर के लीव्स हैं, अंदर के लीव्स इसके बिल्कुल सेट हैं और वो बिल्कुल जो है वो फिट चल रहे हैं माशाल्लाह से, लेकिन ये जो साइड वाले इसके जो लीव्स हैं ये इन करीब यहाँ से गिर जाएंगे। अच्छा, अगर ओवर वाटरिंग हो जाए तो बहुत ही सिंपल सा काम करना है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपका अगर ये प्लांट, ये सब जिस तरह से आप देख रहे हैं पॉट, अगर इसके अंदर पानी ज़्यादा चला गया है, जिस तरह से अभी मैं ज़्यादा डाल के बैठा हूँ आपको दिखाने के लिए, तो आपने इसको कम्प्लीटली ड्राई होने देना है। जब तक ये आपकी कम्प्लीट ड्राई नहीं हो जाती इसकी सॉइल, आपने तब तक पानी नहीं देना, ये नहीं कहीं जाएगा आपका सकुलेंट, इसमें आपने परेशान नहीं होना। पहले इसको आपने सॉइल को बिल्कुल ड्राई होने देना है, फिर आपने इसको जो है वो पानी देना है। और मैं अपनी तमाम वीडियोस के अंदर यही बात बार बार करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा आपने फार्मूला जो है फॉलो करना है कि आपके जब प्लांट की, आपके ये पॉट के अंदर जब मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो जाए तब आप पानी दें उसको। ये आप 2-4 दफ़ा करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी जो है वो ड्राई हो गई है और कब मुझे पानी देने की ज़रूरत है, तो ये आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। इंशाल्लाह आप इसी तरह से इसको फॉलो कीजिएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, आप अपना ये सब पॉट ले लें, इसके अंदर आप जो है वो इस तरह से फिंगर ऐड करें, देखें ये मिट्टी जो है वो इसके साथ लग के आ गई है। इसका मतलब है कि ये मिट्टी अभी जो है वो इसके साथ लग के आ रही है, तो ये मिट्टी आपकी गीली है, अभी ड्राई नहीं हुई।
आपकी अगर ये बिल्कुल फिंगर साफ़ होकर आती है, बहुत कम इसके ऊपर मिट्टी लगी होगी, तो इसका मतलब है कि वो आपकी सॉइल ड्राई है और अब आपने उसको पानी देना है। अच्छा, लाइट से रिलेटेड दो प्रॉब्लम होते हैं सकुलेंट्स के साथ, और वो क्या होते हैं? पहला तो ये होता है कि अगर आप डायरेक्टली सनलाइट दे रहे हैं तो सनबर्न का सीन हो सकता है। डायरेक्टली मतलब दोपहर की बहुत ज़्यादा तेज़ धूप जो है वो सकुलेंट के ऊपर आ रही है, तो ये सनबर्न इस तरह से आपके जो ये सकुलेंट्स के पत्ते हैं वो जलना स्टार्ट हो जाएंगे और ये सारे के सारे आपके सकुलेंट्स के लीव डैमेज हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे और सकुलेंट भी अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। तो एक तो इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने। फिर इस चीज़ से हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं होता तो हम क्या करते हैं, हम सकुलेंट्स को इंडोर में रख देते हैं, मतलब उसको बहुत ज़्यादा छाँव में रख देते हैं और शेडी एरिया में रख देते हैं और कम लाइट आ रही होती है। फिर उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि ये जो सकुलेंट्स होते हैं ये स्ट्रेच आउट करते हैं, और इनसे ये होता है कि जो सकुलेंट के जो ये लीफ के दरमियान वाली जगह है ये इनके अंदर ज़्यादा गैप आना स्टार्ट हो जाता है। वो क्यों आता है? क्योंकि ये लाइट को ढूंढते हैं और उसी तरफ डाइवर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जिस तरह से ये लाइट को तलाश करते हैं ये स्ट्रेच आउट होता है, इसकी हाइट ज़्यादा बड़ी होती है, ये प्लांट को खींचता है और उसमें जो है वो इनके ये जो गैप होते हैं ये क्रिएट होने स्टार्ट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से सकुलेंट जो है वो उसकी खूबसूरती में थोड़ी सी कमी आ जाती है, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो जाता है ज़्यादा। तो इसके लिए आपको बहुत ही आसानी से एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो ये रखना है कि ना ही इसको ज़्यादा आपने धूप देनी है, ना ही इसको आपने ज़्यादा अंधेरे में रखना है, प्रॉपर ब्राइट स्पॉट में रखना है इसको, जहाँ पर इसको डायरेक्टली सनलाइट ना मिले। अगर सुबह की या शाम की इसको आप सनलाइट दे रहे हैं तो वो आपके इसके लिए जो है वो बेहतर है, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप डायरेक्टली इसको दोपहर की धूप देंगे तो वो इसके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो मैंने यही बात आपको अभी भी बताई थी कि आपने इसके अंदर एक तो ये ख्याल रखना है, अगर आप धूप में रख रहे हैं सुबह की या शाम में भी रख रहे हैं तो ज़ाहिर है मिट्टी ने ड्राई होना है, तो उस वक्त आपने उसको प्रॉपर पानी देना है। ये नहीं कि आपने एक दिन एक बार पानी दे दिया तो उसमें दोबारा उसको ज़रूरत नहीं है, आप चेक करते रहें, अगर दोबारा पानी देने की ज़रूरत है तो आप दोबारा दे दें। तो प्रॉपर ब्राइट लाइट दें इसको, किसी विंडो या आप किसी ऐसी जगह पर रख दें जहाँ डायरेक्टली सनलाइट इसको ना मिले लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी रोशनी इसको मिले, तो वहाँ पर ये सकुलेंट जो है वो आपका बहुत अच्छे से सर्वाइव करता रहेगा और स्ट्रेच आउट या सनबर्न का कोई सीन नहीं बनेगा इंशाल्लाह, तो बहुत अच्छे से जो है वो ये ग्रो कर सकते हैं। दूसरा जो सीन है वो ये है कि आपका सकुलेंट या तो होगा पॉट के अंदर या फिर होगा ज़मीन के अंदर, ग्राउंड के अंदर। तो पॉट जो है वो दो तरह के होते हैं, एक तो ये प्लास्टिक पॉट होता है और एक ये टेराकोटा जो मिट्टी वाला होता है ये होता है, तो दो तरह के जो है वो पॉट्स होते हैं। इनके अंदर ज़्यादा गर्मी के अंदर जो है वो मिट्टी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है अगर आप पानी कम देते हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है, आपने पानी जो है वो प्रॉपरली देना है इनको। और अगर ज़मीन में लगा हुआ है तो ज़मीन जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी खुश्क नहीं होती, उसकी जो मिट्टी होती है वो काफ़ी कूलिंग इफेक्ट देती रहती है और ठंडी रहती है, तो उसके लिए जो है वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन चेक उसको भी रखना है आपने। तो इस तरह से करेंगे तो इंशाल्लाह ये भी प्रॉब्लम आपके लिए सॉल्व हो जाए। अच्छा, कुछ सकुलेंट्स मैंने जो है वो टेराकोटा पॉट के अंदर लगाए हुए हैं और इनको मैंने शिफ्ट किया है सनी एरिया से शेडी एरिया के अंदर, जिस तरह से ये देख सकते हैं, ये मैंने बाकी जो यहाँ पर प्लांट्स रखे हुए हैं इंडोर प्लांट्स उनके साथ रखा हुआ है, लेकिन जो आप चीज़ यहाँ पर नोट करें वो ये है कि ये ब्राइट स्पॉट है और यहाँ पर जो है वो ये डायरेक्ट सनलाइट इनको नहीं मिल रही, लेकिन ये ब्राइट एरिया इनको जो है वो मिल रहा है, और थोड़ा सा अगर आप देखें तो ये सकुलेंट्स जो है वो लाइट की तरफ ही डाइवर्ट हुए हैं, इनका जो फेस है वो उसी तरफ जो है वो जा रहा है जो इसको जहाँ से सनलाइट आ रही है। कुछ ये मैंने प्लास्टिक ये बॉल के अंदर रखे हुए हैं और जो मेरे प्रोपिगेशन वाले जो सकुलेंट्स थे छोटे छोटे जितने भी थे वो मैंने इनके अंदर जो है वो लगा दिए हैं, इनके सॉइल के अंदर मैंने थोड़े से कोकोपीट ऐड किया है, वो मिक्स करके जो है वो मैंने इनके अंदर लगा दिए हैं, और ये देख सकते हैं ये अलहमदिल्ला बिल्कुल सेट चल रहे हैं। इनको मैंने शेडी एरिया के अंदर रख दिया है, सन के अंदर जो है वो ये डायरेक्टली एक्सपोज हुए हुए थे, और कुछ ये जो ग्राउंड के अंदर हैं वो जो थे वो मैंने पॉट्स वाले दिखाए आपको, वो पॉट्स में लगे हुए थे, और ये जो है वो ज़मीन के अंदर लगे हुए हैं, और ये भी तमाम कैटेगरीज जो है वो मेरे पास जो अवेलेबल हैं वो सारे के सारे ज़मीन के अंदर चल रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप नोट करें तो इनको सूरज की डायरेक्ट लाइट जो है वो आ रही है, सनलाइट जो है वो डायरेक्टली इनको मिल रही है, ये सुबह की जो लाइट है वो है, और बहुत ज़्यादा तेज़ जो है वो दोपहर की जो धूप होती है वो नहीं है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेट चल रहे हैं। मिट्टी आप देख सकते हैं इनकी गीली हुई भी है मिट्टी, और ये जितनी कैटेगरीज मेरे पास मौजूद हैं वो सारी की सारी लगाई हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से जो है वो इनकी ग्रोथ चल रही है। असल जो चीज़ है वो अगर ग्रोथ नहीं हो रही तो इनको सर्वाइव करवाना है, अभी जो ये काम है इनका चल रहा है वो है सर्वाइव करना, तो ये सर्वाइव कर रहे हैं बेसिकली, अभी इतनी ज़्यादा ग्रोथ उस तरह से नहीं होगी जो सीज़न के अंदर होती है, और ये अभी सर्वाइव कर रहे हैं, तो इनको सर्वाइव करवाना है, मेन जो टास्क हमारा है वो भी इनको सर्वाइव करवाना है। वो ये स्ट्रिंग ऑफ हार्ट यहाँ पर रखा है और इसको भी थोड़ी थोड़ी जो है वो धूप लग जाती है, जो कि इसके लिए ज़रूरी भी है। ये एक बॉन्साई पॉट के अंदर जो है वो मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं, इनके अंदर भी मैंने थोड़ी सी कोकोपीट ऐड कर दी है, और वो देख सकते हैं आप
जो बीच में से आपको फ्रेश लीव्स जो है दिख रहे हैं वो इंडिकेशन है कि उनकी जो है वो ग्रोथ चल रही है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।